और अब बात करते हैं कन्नौज की, जहां दो दिवसीय निरीक्षण के दूसरे दिन राज्य मंत्री अनिल राजभर मालिन बस्ती पहुंचे हैं। वहीं काजीटोला मोहल्ले में ब्रजेश नामक व्यक्ति के यहां पर भोजन भी किया और भोजन की मंत्री ने तारीफ भी की। शहर के काजीटोला मोहल्ले में मंत्री का निरीक्षण हुआ है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जहाँ कहीं भी मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ स्वच्छता हो और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कहीं कोई कमी न हो। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी कोई मंत्रिमंडल का समूह दौरे पर आता है तो निश्चित तौर पर मलिन बस्तियों का दौरा वो करता है। उसी क्रम में आज हम लोग भी कन्नौज जो कस्बा है इसकी एक मलिन बस्ती है, यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष साथ हैं, जिला के अध्यक्ष साथ हैं, हमारा पूरा जिला प्रशासन साथ है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो एक स्वच्छता का अभियान पूज्य मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक संकल्प के साथ शुरू किया था, आज वो अभियान अपना प्रमाण चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने का संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, उसका भी असर आज देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी फर्क आया है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो काफ़ी बुजुर्गों से भी मैंने बात किया, कुछ माँ बहनों से भी बात किया, सब लोगों ने बड़ा संतोष सरकार के प्रयास को जाहिर किया है। उस पर मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है कि मलिन बस्तियों के दौरे ज़रूर हों और वहाँ के जो लोग हैं, और इसके लिए अलग से उन्होंने एक प्रयास भी शुरू किया है, मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना, उसके लिए बजट का भी प्रावधान अलग से मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो सब मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मलिन बस्तियाँ थीं जिसको हम सेवा बस्ती भी कहते हैं, ऐसे बस्तियों की बुनियादी सुविधाओं की तरफ अगर सरकार ध्यान दे, प्रयास करे, तो बड़ी बात है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मंत्री जी, एक गौशाला बनी हुई है, क्योंकि गौशाला के पास में आप जहाँ भी खोजेंगे वहाँ पर गाय के अवशेष मिलेंगे आपको। नहीं, ये आप कह रहे हैं, अगर आप ध्यान में ला रहे हैं हमारे तो उसको हम दिखवाएंगे। नगर में यहाँ जो कल से आज तक हमने वार्ता की है और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी अवगत कराया है कि जमीन का कुछ अभाव है, ईओ से भी हमारी बात हुई, लेकिन चार नए गाँव अभी नगर पालिका का जो विस्तार हुआ है उसमें समायोजित हो रहे हैं, तो वहाँ उन चार नए गाँवों में जमीन गौशाला के लिए देखी जा रही है। तो